नमस्कार, अभी न्यूज देख रहे हैं आप, निशा है आपके साथ और इसके साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज। खबर की शुरुआत और अब बात जबलपुर की, जहां वरिष्ठ समाज सेवी रामराज पटेल, क्षेत्रीय सरपंच और जनपद सदस्य संजय सिंह राजपूत, शिव कुमार बिना, सुशीला दहिया ने क्षेत्रीय जनों के नेतृत्व में बेला टिकरिया द्राहा में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि जबलपुर जिले से नेशनल हाईवे लगे हुए है गाँव बरनू तिराहा, केवलाड़ी गांव, खमरिया गांव, टिकरिया गांव, बेला झांसी गांव से लेकर अगड़िया आदि गांव आते हैं। इन गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी हुई है, जिसमें हेवी वाहन मटेरियल लेकर जिसका वजन 50 से 70 टन होता है, इस सड़क से भारी स्पीड से निकलते हैं, जिसके कारण ग्रामीण की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है और आए दिन लोगों के साथ एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही है। इसके लिखित रूप से शिकायत कलेक्टर, एसडीएम और संबंधित थाने में दी जा चुकी है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। एक्सीडेंट हो रहा है हमारे जैसे रोड के कारण, है ना, हाईवे चल रहे हैं, हाईवे वाले पूरे रोड पे चल रहे हैं, साइड नहीं दे रहे हैं, गाड़ी वाले गिर रहे हैं, सिर्फ किसके कारण, ये हाईवे के कारण है ना, ये हाईवे चल रहे हैं, लोड लेके चल रहे हैं, ओवर लोड के कारण साइड नहीं दे रहे हैं। हम जैसे ऐसे गरीब आदमी को एक्सीडेंट हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, मेडिकल जाए, लेन लगा के वहाँ पर्ची कटाए, फिर मैं 3 महीना परेशान हूँ। नहीं तो ये क्या, इसकी शिकायत कर ही रही है आप लोगों ने, इसकी शिकायत कहाँ करेंगे बताओ, कहाँ और बोलो तो क्या बोलते हैं भैया, 3 लाख 5 लाख मिलेगा ना आपका, क्या परेशान होता है, गाड़ी किसकी है, क्या है, कट चुका मार्ग है, मैडम नंबर दिया वो 3 वर्षों से शासन प्रशासन के अवगत कराते चले आ रहे हैं कि बरनू तराहा नेशनल हाईवे से बरनू तराहा से अगरिया मझगमा पहुंच मार्ग है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे 7-8 टन की क्षमता है वजन ले आने की रोड की, और इसमें 70 से 80 टन तक की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, इसलिए रोड भी बर्बाद है। दूसरा, इस रोड में जो है एक बड़ा वाहन जब चलता है तो साइड में कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, और ये साइड नहीं देते हैं, ऐसे में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, रोड की तो दुर्दशा है ही। हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से बड़े वाहन न निकले, उनका रूट अलग है, वो प्रतापपुर जाएं, प्रतापपुर से टोल नाका देते हुए, इसमें सरकार का भी फायदा हो, यहाँ पर दुर्घटनाएं भी न हो। हम चाह रहे हैं कि ये वाहन अपने रूट से चले। जो मेरी पौड़ी कला से गुजरते हुए बरनू को रोड निकली है और मां झगमा क्रॉस, तो इसमें क्षमता से ज्यादा 7 से 9 टन तक की क्षमता है और 60 टन तक ये लोड करके ले जाती है, उसमें दुर्घटना बहुत सी होती हैं। अभी 6-7 दिन पहले एक गाय की हुई, इसके पहले एक दादी की हो गई थी दुर्घटना पौड़ी कला में, खम्भों की दुर्घटना जनवरी में हुई थी, तो बहुत सी दुर्घटना हो रही है। मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें जाम लगाया जाए, व्यवस्था की जाए। आपने शिकायत दी है इससे पहले? जी, शिकायत दी है, शिकायत तो सभी पंचायतों ने दी है, मैं भर नहीं, पौड़ी कला पंचायत, बेला पंचायत, खजरी पंचायत, टिकरिया पंचायत, रायताल पंचायत, बहुत सी पंचायतें शिकायत दी है, पर पुलिस में नहीं, पुलिस में दी थी शिकायत, पुलिस में भी शिकायत गई है, कलेक्टर महोदय पास भी गई है, और भी आरटीओ में भी सारी शिकायत गई है, पर सुनाई कुछ भी नहीं हो रही है। आपका नाम बताइए। मैं सुशीला दहिया, पौड़ी कला सरपंच।